अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज दानिश खान ताफो एंड यू वाचिंग माय पॉडकास्ट पावर्ड बाय कार्नेक्शन। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, किसी तरफ के मोहताज नहीं है, बहुत पुराने हैं हमारे ट्रैक पर, स्क्रैच से इन्होंने शुरू किया है, बहुत मेहनत की है, आज इनकी वर्कशॉप जो है वो लीड करती है। मेरे साथ मौजूद हैं ट्रैक का बहुत पुराना नाम, बहुत मशहूर नाम, राहिल मंसूर। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। थैंक यू वेरी मच, आप आए मेरे पॉडकास्ट में, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर आपने हमें बुलाया, याद किया। आप डिजर्व करते हैं ना यार, आप डिजर्व करते हैं, इसलिए आपको मैंने बुलाया। राहिल भाई, क्या है गाड़ियों का शौक, कब से हुआ, क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, स्क्रैच से बताइएगा मुझे इसको। शौक तो बेसिकली बचपन से ही था। ठीक है, कुछ मतलब बचपन से ही गाड़ी 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 और बस लगे रहते थे। सेवन क्लास में अपनी गाड़ी ले ली थी। तो कौन सी थी पहली गाड़ी आपकी? डैटसन 125। क्या बात, 78 मॉडल की गाड़ी। बचपन से निसान फैन है आप? मिली निसान ना, नसीब में मिली निसान, तो निसान के अलावा हट नहीं सकते। ठीक है ठीक है, उसके बाद आपने किस गाड़ी पे? डैटसन रखी थी, मतलब वो समझे 2010 तक हम लोगों ने वर्कशॉप, मतलब प्रॉपर वर्कशॉप अगर देखा जाए तो 2010 में हमने एक रेसर जेट के नाम से वर्कशॉप बनाया। ठीक है, और ये कहाँ पे था? नॉर्थ में। ओके, नॉर्थ में डी ब्लॉक में हमने वर्कशॉप की। पहले तो सबसे पहले हमने अंडा मोड़ पे की थी। ओके, तो वहाँ से मूव करके फिर डी ब्लॉक चले गए थे। ठीक है, वहाँ मतलब एक बेसिक वहाँ से हमने बूम लिया, गाड़ियाँ डेंट पेंट करना, मॉडिफाई करना, सिविक्स होती थी, फिर स्पोर्ट्स कार्स हुई, फिर जे डी एम कलेक्शन में मॉडिफाई करना। राहिल भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये डील करना? यंग लड़के भी आई एम श्योर आते होंगे आपके पास जो सिविक मॉडिफाई कराते हैं अपनी। हम लोगों को शुरू से टारगेट ये होता था कि मतलब ना सेकंड प्रायोरिटी होती थी कि हमें कमाना है। पहला हमारा ये मोटिव होता था कि गाड़ी जो है ना बेहतरीन बनानी है। कुछ कुछ गाड़ी ऐसी बनती थी कि एंड ऑफ द डे गाड़ी जरूर बन जाती थी, नहीं कि वो जेब से पैसे ले जाती थी, लेकिन ऐसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी की है कि गाड़ियाँ बना के दी हैं तो वो जेब से भी बनाई है। मुझे शुरू से कुछ अपना ज़रा पर्सनल वो होता था, तो हर गाड़ी में कुछ ना कुछ नई इन्वेंशन का रहता था, हर बंदे का अपना एक वो होता है, मैंने देखा है। तो कुछ ना कुछ नया नया रहता था कि कुछ यूँ करूँगा तो यूँ हो जाएगा, यूँ करूँगा तो यूँ हो जाएगा। सही है, जो चीज़ें एग्जिस्ट भी नहीं करती थी वो भी सोचते रहते थे, क्योंकि वो बेसिकली एक डैटसन ही होती थी पहली गाड़ी। तो मस्टैंग देख के सोचते थे यार इसको मैं क्यों ना मस्टैंग बना लूँ, क्योंकि एक जितना बंदे की चादर होती है बंदा उतना वो करता है। तो डेंट शॉप, आप लेफ्ट हैंडी तो नहीं लिखते उल्टा से? नहीं, लिखता सीधे हाथ से, क्रिएटिव होते हैं ना, उल्टे हाथ से लिखते हैं। उल्टे हाथ से कर रहे होते हैं ना तो गाड़ी उल्टी पुल्टी बन रही होती है, सीधे हाथ से बना रहे तो देखे लोग मुझे देख के गाड़ियां बना रहे हैं। मुझे एक गेस्ट मेरे आए थे, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें देखेंगे, मुझे किसी ने कहा यार जब ये वर्कशॉप, मैं आपको आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, बट मुझे किसी ने बोला कि यार जब वर्कशॉप वाले के पास कोई नया बच्चा, लेट सपोज एक बच्चा है जो 18 साल का हुआ, उसने सिविक ले ली 4 लाख 5 लाख, देखिए उसका मॉडिफाई करने का बजट बहुत ज्यादा नहीं होता कि वो 10 लाख लगा दे उस गाड़ी। ऐसा ही है, सिविक वाला 1 लाख 2 लाख 3 लाख लगाएगा, अपने हिसाब से सेट कर देगा। तो क्या वर्कशॉप वालों ये सोचो थी कि यार एक केक आया हमारे पास, ऐसा कुछ होता है क्या कि केक आया उसको हम काटेंगे? अब हमारा टारगेट कुछ छोटे वाले केक नहीं होता था ना, हाँ बड़े केक, हम बड़े केक पे डायरेक्ट अटैक करते थे कि भाई चलो ये आया कि इसके साथ देखो और कितने आ रहे हैं। सही है, तो मेन मोटिव ये होता है कि चीज ऐसी बना के दो कि जिसको देख के बंदा और भी आगे अप्रोच कर सके। तो माशाल्लाह ऐसी ऐसी गाड़ियां बनाई कि आपने एट अ टाइम शायद एक दफा वर्कशॉप को याद होनी हो, 4-5 सुपरास भी देखी है। बिल्कुल थी वो बैक इन आई थिंक 2013 या 2014 की बात होगी, तो 2010 में तो आप लोगों ने मेरी सलेका पे भी काम किया था। बस वो मतलब उस तरह का ये होता था कि देखें मेन चीज ये होती है कि जो भी चीज आई है उससे 100% अपना टाइम देंगे, टाइम देंगे तो चीज बनती थी। ठीक है, बहरहाल अपनी बात ये होती है कि वही बात आती है दोबारा कि कुछ ना कुछ नया करने का होता। सही है, क्रिएटिव एंड पे 5 साल पहले पहली C63 बनाई थी कराची में। पांच साल पहले कन्वर्ट की थी आपने? कन्वर्ट की थी। तो राहिल भाई 5 साल पहले अगर आप कंफर्टेबल हो मुझे बताएंगे कॉस्ट क्या की थी वो C63 रेडी होने में? C63 बनाई थी हमने और मेरे ख्याल में 6 मिलियन के आसपास गाड़ी कॉस्ट की थी। ठीक है, 2008 वाली, 2008 वाली। ओके, पहली गाड़ी बनाई थी ना कि गाड़ी 30,000 चली गई थी। और आज राहिल भाई क्या कॉस्ट करती है वो गाड़ी? आज वो गाड़ी ऑलमोस्ट 9 मिलियन कॉस्ट करती है। अच्छा, वही गाड़ी अगर सेम स्पेक्स की आप गाड़ी बनाने बैठो तो 9 मिलियन कॉस्ट करती है। तो उस जो ओनर था उस गाड़ी का जिसको आपने कन्वर्ट किया? नहीं, मकसद ये था, वो बनी गाड़ी शौक के लिए थी, मुझे शौक है सारी चीजें। ठीक है, और ओनर का क्या उस पर रिव्यू था गाड़ी जब उसने चलाई? नहीं, वो गाड़ी जब हमने बनाई तो बनाने के बाद उसके अलावा बहुत सारे रिव्यूज ऐसे थे कि लोगों ने बोला कि ये गाड़ी बनी भी नहीं है, ये ओरिजिनल गाड़ी है और ये बनाई नहीं है किसी ने। तो माशाल्लाह मतलब ऐसी लेवल की गाड़ी थी। फिर वो गाड़ी मतलब मैं शायद उसकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर भी नहीं बैठा, वो गाड़ी बिक गई थी। अच्छा, राहिल भाई मेरी ऑडियंस को ये बताएं, देखें माइंड सेट ये होता है हमारा, बेसिकली एवोल्यूशन भी कन्वर्ट होती है। सही है, आप बेहतर समझते हैं। सही है, ऐसा है क्या मर्सिडीज लोग समझते हैं कि कट के जुड़ी है गाड़ी?
नहीं नहीं तो कन्वर्जन का जरा आप क्लेरिफाई करेंगे लोगों को कैसे कन्वर्ट होती है। नहीं देखिए मैंने सॉरी टू से ऐसे तरीके की गाड़ियां भी देखी हैं कि जिसका मुझे मतलब जिसको जीरो एक्सपीरियंस है मतलब जस्ट लाइक कि कोई बड़ा साथ बैठा हुआ है और उन्होंने गाड़ी जैसे चलाई मैंने किसी और की बनी हुई गाड़ी थी नाम नहीं लेना पसंद करूंगा लेकिन वो गाड़ी में बैठा हुआ मैंने गाड़ी चलाई वो पहला हम्प आया और गड्ढे वड्ढे आए तो ऐसा लग रहा है वो वहीं बिखर जाएगी तो ऐसा है ऐसा एग्जिस्ट करती है चीज लूजिंग रह जाती है गाड़ी। नहीं देखें हर चीज मतलब ये कि आप गाड़ी किस तरीके से फिट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मकसद ये कि आप क्या कर रहे हैं। मेरा टारगेट होता है कि अपनी गाड़ी जो भी मैंने बनाई है उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट 100% होती है ये नहीं कि ये ऐसे कर दो ऐसे कर दो ऐसे हो जाएगा ऐसे गाड़ी नहीं बन सकती। रॉयल भी कन्वर्ट करते हुए डिफिकल्टीज क्या फेस करते हैं आपके वायरिंग में जैसे मुझे आई हैव दिस आइडिया मुझे पता है कि कन्वर्ट करते हुए मर्सिडीज में काफी जो है ना वो एरर्स देखिए बेसिक पहली चीज से ये होता है नहीं जीरो एरर्स होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्विच ऑन करता हूं तो मेरी गाड़ियां जितनी भी मिली हैं उनमें मुझे एरर्स नहीं फेस करने को छोटी मोटी चीजें होती है देखिए मैंने एडवांस चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पहली जो जो गाड़ियां बनी है वो मेरे पास से गई हैं। राहिल भाई मुझे एक बात बताएं एक तो ये जंग जो चल रही है ना पहली गाड़ी पहली आपको क्या शौक है हर चीज में पहला 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 क्यों कोई पहला नंबर ले लें भाई आप। नहीं 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 पहले का मकसद है देखिए क्या होता है पहली C63 पहली F10 M5 आपने की मैंने की जैसे उसके अच्छा किसी को पता भी नहीं होता F10 क्या होती है वो M5 होती क्या है मतलब वो वाला लेवल था कि सब कुछ बता के भी हम देख रहे होते थे अच्छा पहली M5 बनने के बाद ये भी बिक जाएगी बिक गई चले फिर पहली M5 फिर उसके बाद माशाल्लाह से पहली कराची में कह सकते हैं कि अगर अपने सिटी से ली जाए तो 205 भी पहली मैंने बनाई है फिर उसके बाद E63 वो पूरे पाकिस्तान की पहली गाड़ी E63S कार्बन थी हमारी ना टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है उसमें 19 मॉडल की गाड़ी थी 8000 चल रही म्यूचुअल दो से इनकी गाड़ी हाँ वो माशाल्लाह भाई जैसे हैं हमारे तो उन मैंने उनको पिच करी कि भाई ऐसी ऐसी गाड़ी है उन्होंने उनको है तो बस उन्होंने हिम्मत करी और मैंने गाड़ी पूरी बनाई और माशाल्लाह उस गाड़ी ने मुझे ना कोई ट्रैक का वाकया बताया जो मेरी ऑडियंस को मजा आ जाए सुनने में कोई ट्रैक का ऐसा वाकया जो आप बोले यार मैंने ड्रिफ्ट किया गाड़ी हाथ से निकल गई यार वो तो ये इस वाले काम में तो ये होता ही रहता है मतलब ये जो सारी चीजें ना यू ओन अ GTR राइट मेरे पास स्काईलाइन R33 स्काईलाइन है और रेयर व्हील वाली गाड़ी क्योंकि मैं रेयर व्हील फैन हूं तो भाई रेयर व्हील चाहिए खूबसूरत गाड़ी है माशाल्लाह कलर उसका उसकी रिम्स हर चीज एवरीथिंग इज परफेक्ट माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी पे सूट करती है आपका नाम ऐसे पॉल मंसूर है ना शायद नहीं नहीं यार मैं राहिल मंसूर ठीक हूं यार अपना नाम ज्यादा बेहतर है मुझे पापा चेंज करने का बिल्कुल शौक नहीं है। मजे का वाकया ट्रैक का एक वाकया मुझे याद आ रहा है स्टारलेट वाला थोड़ा सा उसके बारे में अच्छे वाला या बुरा वाला मतलब आप कौन सा वाला कहते हैं थोड़ा सा मेरी आवाम हस्ती चाहिए मतलब एक बेतुका वाकया है बेसिकली लेकिन वो ऐसा किसी को मैं बोले नहीं कि कुछ होना चाहिए हम लोग रात के टाइम जिस तरह ट्रैक लगा हुआ था क्रीम विस्टा का बहुत अच्छा सा मतलब वो रोड जब ब्रेकर फ्री थी तब हम लोग वहाँ पे गेट टुगेदर होते थे सारे खड़े हुए थे और नई नई ये सारी हमारी फेस की एक्सटेंशन बन रही थी तो हमारे एक बड़े अजीज होते थे वो गए आगे कि उन्होंने रन वन दिया वापस आए कह रहे हैं आप यहाँ से थर्ड लेफ्ट लेना और गाड़ी खींचना आगे रोड पूरा क्लियर है ठीक है। अच्छा रात के टाइम इतना अंधेरा उस वक्त होता था तो सिर्फ आपकी जितनी हेडलाइट्स हैं आपको उतना विजन मिल रहा है ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था बड़ा अजीज था वो भाई साहब गाड़ी चला रहे थे मैं बराबर बैठा हुआ था हम निकले कौन सी गाड़ी थी स्टारलेट थी हमने खुद मतलब वो पूरी कस्टमाइज की हुई थी टर्बो इंजन था और मतलब छोटी गाड़ियों में एक अच्छी तेज गाड़ी होती थी उस वक्त की ना तो हम लोग दोनों साथ निकले हमने बोला चलो भाई आगे जाके खींचते हैं उसने बोला राहिल ये वाला लेफ्ट था आगे वाला लेफ्ट था मैंने बोला यार कहीं से भी लेफ्ट ले ले तो हमने थर्ड था पता नहीं फोर्थ था हमने सेकंड लेफ्ट ले लिया या थर्ड लेफ्ट ले लिया हम लेफ्ट हुए हमने पहला गियर स्पिनिंग पे खींचा सेकंड थर्ड फोर्थ अब जितनी हमें लाइट से उतना तो विजन आ रहा है एकदम से सामने देख रहे लाइटें पड़ना बंद हो गई मतलब ये क्या हुआ बस वो आगे रोड ही नहीं था हम ऊपर से फ्लाई किए और रोड पे आके नीचे लैंड हुए कितना नीचे गए मुझे इतना याद पड़ता है कि हमने वापस ऊपर देखा था तो तकरीबन 10-11 फीट तो होगा आराम से और किस्मत हमारी थोड़ी सी लकी ये थी कि उस वक्त ना वो गोल आपने देखा होगा डेड एंड्स बने हुए होते तो वो डेड एंड से हम फ्लाई करें नहीं कि हम रोड पे लैंड करें ठीक है। अगर हम राइट लेफ्ट या बीच में कच्चे में लैंड करते तो ठीक ठाक मिसअप होता लेकिन वो सीट बेल्ट और बाकी सब चीजें थी नहीं कुछ भी नहीं होता हमारी गाड़ी वो रीइंफोर्स हुई थी चीजें वगैरह बची हुई थी गाड़ी
मुझे बताया अभी आप शिफ्ट कर रहे हैं वर्कशॉप एक और भी माशाल्लाह बहुत मुबारक हो सबसे पहले आपको थैंक यू बॉस और इनॉग्रेशन में आपने हमें नहीं बुलाया मैं बड़ा अफसोस वो इनॉग्रेशन में इमरान खान साहब की तरफ से वो थोड़े से ना वो सिस्टम ऑफ हो गया था अच्छा। उसी दिन वो हुआ था ना कि जो उनपे वो हुआ था तो रोडों पे फतराव अगड़म शगड़म सब हो गया नहीं मेरी बहुत तो, सारी दुआएं अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे थैंक यू और आपकी मेरी गपशप अगर लगती रही ना तो ये पॉडकास्ट मैंने 1.5 घंटे का हो सकता है बहुत आराम से क्योंकि हमारा शौक जो है वो सेम है ऐसा ही है और बहुत अच्छा लगा मुझे आप आए और मेरे पॉडकास्ट पे आप आए आपने टाइम दिया आप इस वादे के साथ यहाँ से जाएंगे कि आप इस्लामाबाद से दोबारा आएंगे अपने पार्ट टू में आना है दोबारा इंशाल्लाह और फिर इंशाल्लाह जो नई गाड़ियाँ बना रहे हैं वो आपने हमसे शेयर कर जरूर लेडीज एंड जेंटलमैन दिस वाज राइल मंसूर फॉर यू दिस इज योर होस्ट दानिश शान ताफू साइनिंग ऑफ टेक केयर एंड लव